हम लोगों का टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, क्योंकि इसके पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, आपका इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट से वो वीडियो जरूर देखें, ताकि ये भी आपको और अच्छे से समझ में आए। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में हर एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की हिंदी जो होती है ना, वो इच्छा सूचक वाक्य होती है, यानी नाम से ही सब कुछ क्लियर हो चुका है। मीन्स नाम से ही क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या बताया जाएगा। तो देखिए, इच्छा बताई जाती है। अब मन की इच्छाएं कई प्रकार की होती हैं। कभी हम अगर किसी से खुश होते हैं तो उसको आशीर्वाद देंगे, उसके प्रति अच्छा कहेंगे। कभी किसी से दुखी होंगे तो उसको आशीर्वाद न देके बल्कि श्राप देते हैं, कुछ और मन में कहते हैं। तो जो भी मन की इच्छाएं होती हैं, चाहे वो आशीर्वाद हो, श्राप हो, शुभकामना हो, बधाई हो, जो कुछ भी हो, वो सब कुछ एक्सप्रेस करने के लिए एक सेंटेंस बनाया गया, जिस सेंटेंस को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सेम कंडीशन है कि फर्स्ट पॉइंट की एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना जरूरी होता है लास्ट में। दूसरी बात, जनरली ऐसे सेंटेंसों की स्टार्टिंग होती है मे से, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव माय सन। कभी कभी मे नहीं होता है तो अंडरस्टूड रहता है उसमें। तो आइए स्टार्टिंग से देखते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की हिंदी इच्छा सूचक वाक्य, यानी कि डिफिनेशन की बात किया जाए तो सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस विश, विश मींस इच्छा होती है, और डिजायर मींस भी इच्छा, विश या डिजायर को जो एक्सप्रेस करता है वो होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ये इसकी स्टार्टिंग मे से ही होती है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बधाई दें, भगवान आपका भला करें। मे यू गो टू हेल्प, अब देखिए ये इच्छा है, ये दुखी कोई होगा, किसी को श्राप दे दिया, मे यू गो टू हेल्प, भगवान करे तुम जाओ, कहाँ जाओ, हेल मीन्स नरक में जाओ, भगवान करे तुम नरक में जाओ। मे लिव लॉन्ग लिव माय सन, यानी कि मेरा पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं कि बहुत अधिक दिन तक जियो तुम। ये हुआ फर्स्ट टाइप का ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अगर इच्छा की बात किया जाए तो एक और टाइप का भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है, वो उसकी स्टार्टिंग होती है ओ इफ या एज इफ से, उसकी स्टार्टिंग, उसमें भी इच्छा ही बताया जाता है, और ये कंडीशन सबसे ज्यादा यूज होती है। इसलिए इसमें खास बात यह है कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों में से कोई भी हो, यूज हमेशा वर्ब का ही करना है। वर्ब का यूज किस लिए किया जाता है, क्योंकि ये कल्पना करने के लिए होता है। वर्ब का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है, किस कंडीशन में, कि उसमें कल्पना की गई हो, तो उसमें इमेजिनेशन किया जाए, अजम्पशन किया जाए, तो फिर वर का यूज किया जाता है। जैसे कहा ओ, ऐसे कंडीशन में ओ इफ का मतलब होता है काश, ओ इफ मतलब काश, ओ इफ काश आई वर माने मैं होता, क्या ए किंग माने राजा। ये देखिए, राजा होने का अजम्पशन किया है, कल्पना किया है, जो कि वो है नहीं, तो काल्पनिक बात है। तो ऐसे कंडीशन में है आई के साथ तो वर लगता है, सी के साथ भी वर लगा, क्योंकि ओ इफ मींस काश सी वर माय फ्रेंड, वो मेरी मित्र होती, काश वो मेरी मित्र होती है, ऐसे कंडीशन भी होती है। और यहाँ भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में लगता है, ओ इफ या एज इफ से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस या मे से स्टार्ट होता है। तो इतनी कंडीशंस हैं, दो टाइप के हैं, जो कि स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हैं, ये भावना या इच्छा को बताते हैं, मन की इच्छाएं आपको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का। एक बात और हम बताना चाहेंगे, कभी कभी मे गॉड लगता है और कभी कभी सिर्फ मे ही लगता है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें सिर्फ मे ही कभी कभी लगता है और मे गॉड भी लगता है, गॉड लगाने में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं। यदि आपके सेंटेंस में ये हो कि भगवान ये देखिए, दो सेंटेंस आपको आंखों के सामने दिख रहा है। पहला है कि भगवान करे तुम पास हो जाओ, इसमें देखिए तुम पास होगे, भगवान पास नहीं होंगे, बल्कि भगवान करे, हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान करे तुम
पास हो जाओ। इसमें पास कोई स्टूडेंट होगा, भगवान का कोई काम नहीं, बस वो एक थर्ड पर्सन है, उनसे हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन भगवान करेगा, सिर्फ मैं लगेगा, गॉड नहीं लगेगा। और तुम अब ये पहले भी बता चुके हैं कि फर्स्ट जब भी होता है तो इसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, तो मैं यू और पास हो जाओ, मैं यू सिर्फ पास हो जाना का क्या होता है, पास, और लास्ट में लग जाएगा मार्कअप इसका। लेकिन इसमें कह रहा भगवान तुम्हें दो पुत्र प्रदान करें, इसमें प्रदान करने वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन है, भगवान प्रदान करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में मैं के बाद तुरंत गॉड लगाना ही पड़ेगा, मैं गॉड प्रदान करें क्या, तो मैं गॉड ब्लेस यू क्या विथ टू सन, विथ टू सन। तो जब भगवान करें आ जाए तो ऐसी कंडीशन में मैं के बाद गॉड नहीं लगेगा, और सिर्फ भगवान तुम्हें पुत्र प्रदान करे, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हें नरक में भेजे, सब कंडीशन में सब्जेक्ट के रूप में भगवान आ जाते हैं। ऐसे कंडीशन में मैं के बाद गॉड लगा दिया जाता है, और इस कंडीशन में नहीं लगाया जाता है। तो यही सब बातें थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी यही सब बातें थी ऑपरेटिव सेंटेंस की, जो कि नॉर्मली आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि ऑपरेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है, इसमें विश या डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट हो सकता है, ऑपरेटिव सेंटेंस में कभी कभी में नहीं लगता है, लास्ट में मार्कअप एक्सक्लेमेशन लगता है। इसका सेकेंड टाइप होता है जो ओ इफ एज इफ से स्टार्ट होता है, इसमें अजम्पशन या कल्पना की गई रहती है। ऐसी कंडीशन में आई के साथ या सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं। वर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एजम्पशन या कल्पना करने के लिए यूज होता है। इसके भी लास्ट में मार्कअप एक्सक्लेमेशन का यूज जरूर करते हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ भी देख लेते हैं कि अगर भगवान करे करके आ जाए ट्रांसलेशन बनाते समय, तो मे के बाद कार्ड नहीं लगाना है, लेकिन भगवान ही आए और वही ऐसा कहा जाए कि वह खुद प्रदान करें या खुद कोई काम करें, तो ऐसी कंडीशन में मैं के बाद कार्ड को लगाना आवश्यक हो जाता है। बस इतना सब बातें थी ऑपरेटिव सेंटेंस की। आई होप आपको ये बातें सारा समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।